तो कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले अगर सबसे अच्छी बात इस सीरीज की बताओ तो वो है सीरीज के आर्टिस्टिक विजुअल्स और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप शॉट्स, जिसे देखकर आप इनमें खो जाते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बिल्कुल नई आई चाइनीज ड्रामा नोवलैंड ईगल फ्लैग की, जो ओरिजिनली तो 2019 में ही आई है, पर अब इसे एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज कर दिया गया है, जो एक हिस्टोरिकल फैंटेसी वूस या रोमांस जॉनरा की सीरीज है। और अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है तो ये सीरीज ओरिजिनली उसी से इंस्पायर्ड है। और अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो आपको इसे पूरा देखने के लिए 45 मिनट के अराउंड के 56 एपिसोड्स देखने होंगे। पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी इसके फिलहाल 15 ही एपिसोड्स एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज किए गए हैं, और इसके बाकी के एपिसोड्स आपको आने वाले वीक्स या नेक्स्ट मंथ तक में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको सीधे सीरीज के प्लॉट के बारे में बताओ, वो भी इसे बिना स्पॉइल के हुए, तो ये सीरीज बेसिकली कहानी दिखाती है नोमैडिक ट्राइब किंग यांग के क्राउन प्रिंस लू गुई चैन की, जो फिजिकली काफी वीक है और सबों को लगता है कि वह काफी बीमार है, पर असल में उसके बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जिसे वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और इसी कारण वह वीक या बीमार सा लगता है। अब उसकी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है ये तो आप इस सीरीज को देखकर ही पता करिए। पर जब ईस्टलैंड से काफिला आता है तो उसके पिता उसे यानी कि अपने क्राउन प्रिंस को एक हॉस्टेज बनाकर उनके साथ भेज देते हैं, पर एक शर्त पर कि उसकी शादी एक प्रिंसेस से करा दी जाएगी। पर वहाँ जाने के बाद सभी लोग उसे बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली देखते हैं, और इसी कारण वो बस एक वॉरियर बनना चाहता है। पर सब कुछ इतनी आसानी से कहाँ मिलता है, और इसी दौरान उसकी मुलाकात दो और लोगों से होती है। अब ये तीनों कैसे एक राजनीतिक षड्यंत्र में फंस जाते हैं, और जहाँ हर कोने पर अंधेरे का साया है, अब वे इन सारी चीजों का सामना कैसे करेंगे, और इस बीच जो कुछ भी होता है ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है, जिसमें आपको सस्पेंस, मिस्ट्री, अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस और एक अच्छा रोमांस भी देखने को मिलता है। अब ये तो हो गया सीरीज का बेसिक प्लॉट, पर क्या ये सीरीज आपका टाइम डिजर्व करती है? तो जी हाँ, डेफिनेटली आप इस सीरीज को एक बार तो जरूर देखना चाहेंगे। और जैसा कि अभी इसके मात्र 15 ही एपिसोड्स आए हैं, तो उस बेसिस पर ये सीरीज अभी तक तो काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। और हाँ, भले ही ये सीरीज अनटेम्ड या फिर एशेस ऑफ लव के लेवल की ना हो, पर इसके बावजूद ये सीरीज इंटरटेनिंग इनफ है जो आपको इस सीरीज के साथ बांधे रखती है। बाकी चाहे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस हो, स्क्रीन प्ले हो या फिर विजुअल्स, ये सब टॉप नॉच के हैं। तो अगर आपको हिस्टोरिकल फैंटेसी वूसिया ड्रामा देखना पसंद है तो डेफिनेटली आप इसे देख सकते हैं। बाकी मैं इस सीरीज को दूंगा 7.7/10 स्टार्स। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।